भिवानी पुलिस ने 13 जून को सोना व्यापारी को गोली मारकर गाड़ी चांदी लूट की वारदात का बड़ा खुलासा करते हुए 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि इस पूरी वारदात को एक टैक्सी चालक ने रातों रात अमीर बनने के लिए बदमाशों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि 24 जून को मनीष उर्फ मीनू नामक युवक को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। मनीष ने पूछताछ में 13 जून को सोना व्यापारी अमित को गोली मारकर लूट की वारदात को कबूल किया। उन्होंने बताया कि मनीष ने अवैध हथियार पवन दिनोद से खरीदा, जिसके बाद पवन निवासी गांव दिनोद को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की और उस आधार पर व्यापारी से लूट में शामिल देवेंद्र उर्फ देव निवासी हालुवास को भी गिरफ्तार किया। जो केस प्रॉपर्टी है चांदी व उसके निर्मित आभूषण, उसकी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनको फर्दर फिलोस रिमांड भी लिया जाएगा और जो भी चांदी है उसकी रिकवरी की जाएगी। अब तक की जांच के दौरान ये सामने आया है कि मनीष मिन्नी पे ऑलरेडी 2 मुकदमे हैं, साथ ही पवन पे भी 3 मुकदमे लड़ाई झगड़े के हैं। इन बाकी आरोपियों के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में संबंधित थाने के अभिलेख से जांच पड़ताल की जा रही है और जैसे जैसे जांच के दौरान बातें सामने आएगी वो बता दी जाएगी। सर चांदी आपने बताया कि बापोड़ा में उसके अपराधी ने अपने घर पर रखी, तो उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिनोद में पवन की तरफ छुपाई गई थी, उसके बाद में इन्होंने एक गुल्लू नाम के व्यक्ति जो बापोड़ा का रहने वाला उससे संपर्क किया, फिर गुल्लू ने अपने दोस्त एक विक्की नाम का लड़का है उससे संपर्क किया, फिर विक्की ने आगे ये चांदी बिकवाई है किसी और को। मैंने बेची जा सकती है, बेची जा चुकी है, उसकी रिकवरी की हम कोशिश कर रहे हैं, किसको बेची है और कहाँ बेची है। सर जिस टाइम पे घटना घटी तो आगे देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी में पवन, दोलू और मास ऑलरेडी बैठे हुए थे, निखिल और संजू बाइक पे रेकी कर रहे थे, फिर ये तोसाम रोड तक रेकी करते रहे, उसके बाद में संजू बाइक पे रह गया और निखिल बैठ उतर करके स्कॉर्पियो में बैठ गया। इस प्रकार से 4 व्यक्ति उसमें तोसाम रोड। सर गोली किस व्यक्ति ने चलाई? पवन। तो सर जिसको दुकानदार को गोली लगी थी उसकी गाड़ी भी छीनी थी, उस गाड़ी का पता चल पाया? गाड़ी ऑलरेडी हमने जो वारदात हुई थी उसके कुछ समय बाद में प्रेमनगर में छोड़ के चले गए थे, तो वहां से हम रिकवर कर चुके हैं।